जब कुदरत कहर बरपाने पे आती है तो इंसान की बनाई हर चीज़ बेबस नज़र आती है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या अपनी सुविधाओं के लिए बनाए गए कोई भी जब साधन। कुदरत कहर बरपाने पर आती है तो वह इंसान की बनाई कितनी भी बड़ी चीज़ें हों, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, उसको ताश के पत्तों की तरह ढा देती है। आपकी कनेक्टिविटी के साधन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ताश के पत्तों की तरह प्रकृति एक झटके में ख़त्म कर देती है। ऐसे ही कुछ पिछले दिनों बारिश के कारण हमारी देवभूमि उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी और साथ में कनेक्टिविटी के काफ़ी रास्ते जो हैं वह बंद हुए। उन सभी की वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अलग अलग स्थानों में किस तरह से कैसा वो क्षण रहा, और साथ में जो हमारी सेना है उन्होंने रेस्क्यू कर काफ़ी लोगों को बचाया, तो इसके लिए उन्हें हमेशा सल्यूट देवभूमि इंडिया करता रहता है, आगे भी करता रहेगा, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। पूरे उत्तराखंड से कुछ छोटी छोटी वीडियो मेरे पास पहुंची है, मैंने उनका एक कलेक्शन बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, किस तरह उस समय का दृश्य रहा, कितनी बारिश हुई और किस तरह से कनेक्टिविटी के जो साधन हैं वह पूरी तरह से अभी भी ध्वस्त हैं कई जगहों पर। आपको लंबा अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं पहाड़ों में तो लंबे रूट से जाना पड़ेगा और काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, अगर अभी आप आज के दिन या अभी 2-4 दिनों के अंदर आप आ रहे हैं साथ ही उत्तराखंड। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है वह उस पर जब बहुत ज़्यादा भार हो जाता है वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से हमको यह समझाने की कोशिश करती है कि चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, जब वह अपनी चलाने की कोशिश करेगी तो उस समय हम लोगों की कुछ नहीं चलेगी। तो इसलिए प्रकृति को और साथ में अपने वातावरण को साफ रखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड उम्मीद करता है। और साथ में प्लास्टिक का यूज बहुत कम कीजिए, अगर करते भी हैं तो उसे डस्टबिन में डालिए। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, और जो पोल्यूशन हो रहा है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण प्रकृति ऐसा कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ जो अलग अलग स्थानों से उससे आई पहले है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो आप लोगों के बोला लिए मैं लाता भयंकर रहता हूँ। तूफान आ गया है। ए, ए, वापस! अरे भंच कर से बचाए उसको रे। ए, खतरा! खतरा! अरे वापस जा रहे! वापस जा रहे! अरे आगे मत जाओ अभी जी। वापस 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 पुल टूट गया। वापस भाग! ये गया, ये गया। वापस! ये गया, टूट गया। पुल टूट रहा है गोलापुर का। भागो! अरे भयंकर तूफान भी देखो। चलो उधर कॉल कर दो, उधर पुलिस को बुला लो। उधर पुलिस को बुला लो भैया, उधर बोलो। ये यार भयंकर हो गया, हम लोग गए तो मर जाते हैं। अच्छा वो बता दिया पुलिस वालों ने, और निकल भी नहीं पाते आगे पीछे। भयंकर तूफान! अरे खतरा हो जाता है यार, बहुत अच्छा हुआ पुलिस खड़ी थी यहाँ। सर मुझे कॉल कर दो फोन। पुल टूट गया। तो बहुत भारी था। ग्रुप में डाल दूंगा फोटो। हाँ ले पकड़ सको, ग्रुप में डाल दो, जल्दी डालो साले मैं घूम। हेलो, हाँ कौन? हाँ रमेश,
अरे हम लोग बच गए यार साफ साफ, हम लोग वापस आ गए नहीं तो मर जाते हम लोग। नहीं यार आंधी पानी माहौल बाबा कहा है माहौल सब आओ सब आओ फिर आओ फिर आओ। शासन प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको निकालो, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। शासन प्रशासन से मेरा बार बार निवेदन है, कैसे करूंगी हालत, बेड डूब चुका है, दरवाजा लगाने से काम नहीं बनेगा ना, मम्मी दिक्कत आ जाएगी, तो मेरे पूरे बुलेट घर के अंदर डूब ही पड़ेंगे। रस्सा 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 पकड़ो, रस्सा पकड़ो, रस्सा रस्सा पकड़ो, खींचो खींचो, अरे रस्से को खींचो ना, हो गया सर भैया, ओ भाई रस्सा खींचो ऊपर को, अरे कुत्ता भी है, रस्सा ऊपर को खींचो, इसे खींचते रहो, जाओ भाई जी थोड़ा सा हाथ, रोद्रू अल्मोड़ा नेशनल हाईवे जो खारना को जोड़ता है पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, बीच में से रोड बह गई है और यहाँ से कोई भी वाहन ना आए, यहाँ हम खड़ा में खड़े हैं, ना आगे जाने का साधन है ना पीछे आने का, तीन रोडवेज की बसें हैं, अन्य प्राइवेट गाड़ियां हैं, सभी लोग यहीं फंसे हैं, दुकान में राशन भी खत्म हो चुका है, जिस कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ड्राइवर कंडक्टर को, यहाँ पर जो मुसाफिर है तीनों गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में पैसेंजर है, यहाँ पर कोई व्यवस्था ना होने के कारण
बहुत भयंकर यहाँ पर रौद्र रूप कोशिका। अरे गले से रस्सी निकालो। हाँ वेरी गुड। हम लोग बहुत टेंशन में थे, 16 घंटे से राती भर में। आप लोग सही से चले गए, कहाँ से आए आप लोग थोड़ा ये बताओ। हल्द्वानी से हैं, अभी केदारनाथ से आए हैं। तो कल हम 4 बजे से यहाँ अटके थे, अब जाके पुलिस की सहायता से हम सब बच सके। मैं सुंदरलाल, उप सचिव सेवा का अधिकार आयुक्त देहरादून में हूँ। SSP मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी बारिश में खुद खड़े होकर CO साहब के साथ जो हमारी मदद की है उसका हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। थैंक यू सर। थैंक यू।